रात अकेले एक ऐसा गाना है जो मैं बहुत टाइम पहले से सुन रहा हूँ, बचपन से सुन रहा हूँ इनफैक्ट। एंड मेरा एक पहला एल्बम आया था फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने रात अकेले का जो सैक्सोफोन सेक्शन है वो यूज़ किया था। उसके बाद आई थॉट दैट ये गाना इतना सेंशुअल है कि समबडी और द अदर हैज़ टू सिंग इट इन सच अ मैनर जो इसको जस्टिस कर सके। सोफी को हम सब जानते ही हैं एंड शी इज़ डन अ फैबुलस जॉब ऑफ द सॉन्ग, शी संग इट रियली वेल, शी लुक्स गॉर्जियस। वी टुक ग्लैम एज द बेसिक फाउंडेशन, ग्लैम एंड फैशन। वेल मेरा इंटरेस्ट सोफी के लिए इसलिए था बिकॉज आई वॉन्ट अ पर्सन हु सिंग्स रियली वेल एंड कैन कैरी ऑफ एंड एक्ट रियली वेल अलॉन्ग विद मी। तो क्या होता है कई बार कुछ बहुत अच्छे सिंगर्स हैं लेकिन वो बहुत अच्छे एक्टर्स नहीं हैं, और इस गाने में वी नीडेड सेंशुअलिटी। सोफी ऑल्सो सिंग्स रियली वेल, और हम लोगों को बहुत टाइम से 7-8 साल से हम लोग मिल रहे हैं एक दूसरे को, कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं साथ में, लेकिन ऐसा कोई मौका मिला नहीं कि साथ में काम करें। तो जब मौका मिला करने का तो वी डिसाइडेड दैट यू नो लेट्स रिक्रिएट दिस बिकॉज इट शोकेसेस मी प्लेइंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, इट शोकेसेस सोफी डूइंग वेरियस थिंग्स एंड लुकिंग गॉर्जियस। एक्चुअली रात अकेली इज़ नॉट लाइक माई यूजल धमाकाज एंड हंगामाज दैट आई लाइक टू क्रिएट, क्योंकि वो बहुत एनर्जेटिक डांसी पैपी सॉन्ग्स हैं और लोगों को आदत हो गई है कि सोफ़ी डांस नंबर ही करेगी। रात अकेली एक बहुत ही अलग मुख्तलिफ टाइप का गाना है, इट्स वेरी सेंशुअल सेक्सी रोमांटिक लेकिन थोड़ा लेड बैक है। तो ये जो गाना था ये राघव सच्चर का आइडिया था। हम पिछले 7 सालों से यही कोशिश में लगे हैं कि हम कब साथ में काम करेंगे। तो मैंने उनसे कहा था कि 2014 तो मैं मतलब छोड़ूंगी नहीं, मुझे एक गाना तो करना है आपके साथ। तो उन्होंने जब मुझे ये गाना सजेस्ट किया पहले मैं थोड़ा सा घबरा गई बिकॉज़ एक बहुत डिफ़िकल्ट गाना है ये गाने के लिए, इसकी जो रेंज है नीचे से लेके ऊपर तक है और आशा जी ने गाया एंड यू कैन नॉट कॉपी आशा जी। बट राघव कन्विंस थे, वो चाहते थे कि लोग सुने कि मैं कुछ अलग गा सकती हूँ अलग स्टाइल में। आई थिंक हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि झलक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें मौका मिला इस गाने पे परफॉर्म करने के लिए। और प्रॉब्लम ये थी कि उस दिन मैं बॉटम टू में थी, डेंजर जोन में थी, तो मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि पहले हफ्ते में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी और फिर भी डेंजर जोन में, तो मुझे तो टेंशन आ गई थी। एंड थैंकफुल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा गया, ऑडियंस और कंटेस्टेंट्स ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया उस परफॉर्मेंस के लिए, नॉन स्टॉप कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। आज भी तुषार ने हमारा वीडियो लिंक ट्वीट किया है, तुषार कपूर ने, लेकिन वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारा डांस झलक भी इतना ज़बरदस्त था कि कोई वो नहीं भूल पाएगा, विच इज़ वेरी स्वीट। नहीं, इनफैक्ट मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि ऑफकोर्स राघव प्लेज 33 इंस्ट्रूमेंट्स जो कि खुद एक मजाक नहीं है, और फिर वो मुंह से जो इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं वो बहुत स्पेशल है। लेकिन उन्होंने मुझे इस गाने में पूरे तरीके से इन्वॉल्व किया, चाहे वो ग्लास का साउंड हो, उसमें भी अलग अलग पानी के लेवल्स भरेंगे तो अलग अलग साउंड्स आएंगी, हमने वो किया, जिस तरह से हील से म्यूज़िक बनाई, जिस तरह से मैंने भी खुद, मैं नॉर्मल चुटकी नहीं बजाती हूँ, मैं इस तरह से बजाती हूँ, तो ऐसी ऐसी चीज़ें करके हमने जो गाने में ऐड की, इट वॉज रियली एक्साइटिंग फॉर मी ऑल्सो टू बी पार्ट ऑफ इट एंड आई गॉट टू लर्न अ लॉट। और आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, हो दिस हैज़ ऑलवेज बीन अ चैलेंज, यू नो पॉप इन इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ चैलेंज, इट्स नॉट समथिंग विच इज़ न्यू। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि अब थोड़ा सा बेटर होने लग गया है, इन द पास्ट 3-4 साल तो बहुत ही बुरा हाल था, वह पॉप वॉज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल, बट लकीली आई नेवर लॉस्ट होप। आई ओपन माई लेबल ऑल्सो इन 2009 विच बेसिकली गिव मी द कॉन्फिडेंस कि ये मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ इतनी आसानी से। सी फॉर एन आर्टिस्ट, हम बॉलीवुड करते हैं, ये बॉलीवुड में गाती हैं, मैं म्यूज़िक डायरेक्ट करता हूँ, इट्स अ वेरी द थॉट इज़ लेड बाय द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर्स। तो आप उनके विशेज़ के ऊपर गाना बना रहे हैं, सिचुएशंस के ऊपर गाना बना रहे हैं, आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे जो आप खुद करना चाहते हैं। प्लस मोर देन एनीथिंग इज दैट डज नॉट हैव एनी फेस वैल्यू फॉर योर सेल्फ, इट इज़ पिक्चराइज्ड ऑन एन एक्टर और एन एक्ट्रेसेस और वेरियस अदर पीपल। यहाँ पे वी वॉन्ट टू शो दैट वी आर
two good looking singers people. And performers and singers, and we can do all of it. It's a package, and we have always presented ourselves as packages. Aur ye karne ke liye saath mein ek package create karne ke liye we have to decide ki gana kaisa hona chahiye, isme concept kya hona chahiye. So if you see the video, it's very concept based. See, the thing is, jo Raghav keh rahe hain about music, sab jante hain ki I really believe in pop and non film, aur main karti rehti hun. Thankfully Hangama ho gaya was really well received last year, aur uske alawa main hamesha believe karti hun ki ek ऐसे मुल्क में जहाँ पे म्यूज़िक इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ना सिर्फ बॉलीवुड से बट हर सोर्स से म्यूज़िक आना चाहिए और उसको सपोर्ट करना ज़रूरी है. इसलिए हम जैसे आर्टिस्ट कुछ भी करके वीडियोस निकालते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी लगता है. जहाँ तक कॉन्सेप्ट का सवाल है, इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी एक्साइटिंग ऑल्सो कि ऐसी ऐसी चीज़ों से हम म्यूज़िक बना रहे हैं जो हमारे घर में हैं, जो मौजूद हैं. इट फेल्ट वेरी एक्साइटिंग, ऑलमोस्ट लाइक एन एक्सपेरिमेंट. जब हम साउंड्स क्रिएट कर रहे थे, राघव भी मुझे चीज़ें दिखा रहे थे, क्रिएट कर रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. एंड आई थिंक एंड रिजल्ट इवन विजुअली इज सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि जितनी बार आप ये वीडियो देखेंगे आपको कुछ अलग नज़र आएगा. आप कहेंगे ओ माई गॉड, वो नाखून से साउंड क्रिएट किया है, ओ माई गॉड स्कर्ट से साउंड आया, जूते से आया, स्प्रे से आया, हर चीज़ से साउंड आया. एंड आई थिंक दैट्स वेरी अनयूजुअल.